कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। गाड़ी में डीजल नहीं है यार। ठीक है तो फिर गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा। हट। वेरी वेरी एक्साइटेड। चलो बाबा बाय। ठीक है आता हूँ मैं थोड़ी देर में, एक दो दिन में आता हूँ। हाँ ठीक है बाय टाटा। सिंचन उसे वो अच्छा वहाँ डॉगी दिख रहा है उसे वहाँ। हाँ ऊपर से भागता रहता है मस्त। सिंचन बाय बाय। नमस्ते मम्मी टाटा। चलो भाई दादी को बाय कह दो। जाओ जाओ लेकिन मैं वहाँ जाके दादी को भूल जाऊंगी। चलो टाटा बाय बाय। चलो भाई चलते हैं। सही है भाई हवा डल वाली है। ये भैया भी आए थे अपना पंचर लगवाने के लिए, इनका भी लग गया। चलो चलते हैं। मैंने शैम्पू से कही कि भाई इसमें ही पंचर लगवाने आया था, तो कह रहा फिर क्या हुआ मैंने लगवा लिया। सबसे बड़ी बात है इसने पूछा रीतन पंचर लगवाया। चलो भाई हवा चेक, गाड़ी चेक, सारे लोग चेक। हैं जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। अभी हम जो है अपने घर से निकल चुके हैं, पर अभी हमें ये नहीं पता है हम जा कहाँ रहे हैं। तो अभी हम जो है गूगल में वही सर्च करने वाले हैं कि कौन सी डेस्टिनेशन इस टाइम पे बढ़िया चल रही है, वहीं चले जाएंगे। धर्मशाला जा सकते हैं, उत्तराखंड में कहीं जा सकते हैं। ठीक है धर्मशाला में नहीं इतनी गर्मी नहीं है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री है भाई। ठीक है तो शिमला के कपड़े लेके आ गए तो कहीं भी पहन लेंगे उन्हें। ठीक है तो बाकी हम राजस्थान भी जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। उदयपुर चले, 3 घंटे की ड्राइव है। बबूले से कपड़े लेकर आ रहे हैं। चलो अभी थोड़ी देर में डिसाइड करते हैं, आपको रास्ते में बता देंगे कहाँ जा रहे हैं ना। घर से निकलते हैं, थोड़ी दूर चलते ही इनको लग चुकी है भूख। मैंने कुछ नहीं खाया सुबह, सिर्फ बनाया है। अच्छा सैंडविच खाया जा रही है। फाइनली मुजफ्फरनगर निकलने के बाद हमने डिसाइड कर ही लिया कि हम कहाँ जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं शिमला। ठीक है तो वैसे कपड़े उसी के हिसाब से लेके आए थे, पर अभी जो है बीच में उत्तराखंड के लिए भी जा सकते थे और शिमला भी जा सकते थे, तो फिर जो है सबने कहा कि शिमला ही चलते हैं। तो कांग्रेचुलेशंस हम शिमला जा रहे हैं। सो अभी हम रुके हैं देवबंद से थोड़ा सा पहले एक सुसु ब्रेक के लिए, सो बस थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं और फिर चलते हैं। और यहाँ पे गन्नों की कटाई वटाई चल रही है तो बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है बीच बीच में, बाकी तो रोड सही है मस्त है एकदम। जुरू व्हाट आर यू ईटिंग? देसी जुगाड़। पन्नी लगा के क्या है ये? ये खा रहा है, ये है पुडिंग है, इसके अंदर दही है, सूजी है और कैरेट्स है। देखो सब मुंह है। मजा आ रहा है। सारे में लकड़ियां बिखर गई हैं, इस चक्कर में जाम लग रहा था ये। यहाँ पे तो भाई साहब अच्छा खासा पूरा किसान विसान, बहुत गाड़िया ही गाड़िया हैं, तो पुलिस लगी हुई है। क्या हो रहा है? अच्छा बहुत सारे किसान आए हुए हैं यहाँ पर। अरे सेलिब्रेशन चल रहा है ना अब तो। सेलिब्रेशन? हाँ वापस ले लिया, वापस ले लिया सब कुछ। तो वैसे अगर करनाल वाले रस्ते को कम्पेयर करें इस वाले रस्ते से, तो उसमें क्या है कि वो वाला रास्ता छोटा है और उस पर टोल टैक्स जो है ना वैसे कम है उस पर, और जो है भी वो भी बंद पड़े हैं क्योंकि इस टाइम पर किसानों के वैसे वो सब पूरे बंद कर रखे थे। इस वाले पर टोल टैक्स ज्यादा है और ये रास्ता थोड़ा बड़ा भी है, और साथ ही साथ इस पर टोल टैक्स ज्यादा के साथ साथ सारे खुले हुए हैं, सब टोल टैक्स वर्किंग है, तो इसलिए थोड़ा लाइन में टोल टैक्स, हर लाइन में टोल टैक्स बोले जा रहे हो, क्या चाहते हो भाई? जब से कम से कम मानते हैं तुम्हारे पैसे लगे, इसका सदमा मत लो भाई। इस बात सदमा नहीं, पर है तुम खुद देखो हर थोड़ी थोड़ी देर में टोल टैक्स दिए, टोल टैक्स और अच्छे खासे पैसे लेते हैं। 140 रुपए भाई साहब, 100 किलोमीटर चले होंगे, 100-150 किलोमीटर, उसमें कम से कम 4 टोल टैक्स पड़ चुके हैं। दे दिया यार, ठीक है, लूट लिया यार, लूट लिया। अब और पैसे नहीं बचे, हम होटल में कैसे रुकेंगे यार? तो तुम हमने कटवा, कोई नहीं हमारे रिश्तेदार रहते हैं शिमला में, वहाँ छोड़ देंगे तुम्हें। मुझे
तुम लोग कैसे जाओगे फिर? तुम्हारे पास पैसे नहीं ना, हमारे पास तो है। ओके फाइन। शैम्पू के दोस्त, शैम्पू इनके चक्कर में गाड़ी से बाहर नहीं आ रहा है। नहीं तो आजा, उधर गया। आजा फोटो खिंचाएंगे। नहीं वो बंदों के साथ खिंचाएंगे। आजा अरे भैया बिठा लो, सीधा मत करो भाई, मैं नहीं। वेलकम टू द माउंटेन्स। सो यहाँ से थोड़े से ये माउंटेन जैसे लग नहीं रहे, ऐसे लग रहे हैं टीले, नहीं होते छोटे मोटे मिट्टी के टीले, वैसे लग रहे हैं। सो आई थिंक ये वही है क्योंकि बीच में पड़ते भी इस रस्ते में गोवर्धन का पहाड़ जैसे सही में। राजस्थान में आ गए हो? राजस्थान और मथुरा में भी हमारे वहाँ पे भी ऐसे है, ये वही टीले हैं। अभी पहाड़ अभी स्टार्ट नहीं हुए, थोड़ी देर बाद अभी स्टार्ट होंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। अभी हम हरियाणा में, डियर भी है, साइडों में जंगल है ना। मॉन्क जैसी लग रही, बिल्कुल मॉन्क। जाइए अपनी पॉटी धो के आइए। हर ट्रिप पे ऐसा जरूर होता है कि रूरू एक पॉटी जरूर करती है। और पता है ये लड़की ऐसे ही करती है, जिस दिन ट्रिप पे जाना था उससे एक दिन पहले पॉटी नहीं करेगी, और जब ट्रिप पे जाएंगे उसमें दिन में पॉटी करेगी। उसका एक्साइटमेंट रहता है ना कि ट्रिप पे करेंगे पॉटी। बदमाश लड़का। सो गाइस अभी हम एंटर कर चुके हैं माउंटेन्स पे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने पहले भी ये बोला था माउंटेन्स पे एंटर कर चुके हैं। नहीं सुबह दोबारा पूछा था कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं भाई सही में माउंटेन्स बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड यू गाइस। ये लोग मजबूरी में जा रहे हैं और इन लोगों ने बोला कि हमें होटल में छोड़ देना, हम होटल में ही सोएंगे, हम कहीं घूमने नहीं जाना चाहते। हमने आते हैं ये दोनों और इन्होंने बोला है हमको वहाँ पे स्नो मिले तो बिल्कुल मत दिखाना, हमारे आंखों में पट्टी बांध देना। हाँ, और स्नो लेपर्ड मिले तो हमें वहीं छोड़ देना। हाँ। या स्नो तो कहीं दिख नहीं लगी है, ये मेरे टेबल को हाथ देते। You're looking good in लाल टोपी लाल जैकेट। थैंक यू सो मच। अपनी ऐनक तो दिखा दे जरा, देखना कह रही बुआ नो तो अभी सवारियों का आदान प्रदान चल रहा है। अभी आगे वाली सवारी पीछे जा रहे हैं, पीछे वाली सवारी आगे, क्योंकि सबको पहाड़ों के मजे लेने, सब बोल रहे हैं कि हमें भी अलग अलग व्यू से देख रहे हैं। तो अभी छाया आगे बैठेगी और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद टेम्पो बैठेगा, तैसे सब चेंज कर करके सब नजारों के मजे लेना चाहते हैं। है जी अब से मेरा कैमरा मैन है ये पकड़ो। तो अभी यहाँ से शिमला है 30 किलोमीटर, और अभी हम यहाँ पर रुके हैं एक सुसु ब्रेक के लिए, और वहाँ गई हैं सिमरन और छाया प्रिया वगैरह। सो उसके बाद बस थोड़ा सा यहाँ पर चलते हैं, ठंडा मौसम हो रहा है मस्त मज़ेदार। अभी टाइम लगभग हो रहा है 3:30, तो लगभग हम जो है 1 घंटे में लास्ट पहुँच जाएंगे अपने होटल में। और हमने सेम होटल लिया है, होटल के एकदम से हमने होम स्टे लिया है, आपको वहाँ जाके दिखाऊंगा। सो अभी तो चलो चलते हैं।
ये मस्त है अपना आराम से महात्मा वाले कपड़े पहन के बैठी हुई है, सो के जग गई है। हेलो निकी चाचू फालतू में तो बोलो चुपचाप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लो। इस बार गाड़ी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब जैसी थी वैसी की वैसी हो चुकी है। सो बड़ा मजा आ रहा है चलाने में भी भाई साहब, अब ओवरटेक कर सकते हैं और एक अच्छी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। सो वही अपनी गाड़ी जब परफेक्ट रहती है तो अच्छा लगता है कि हाँ अब चलो सही है। पर अभी ये है कि अभी XUV700 चला ली तो थोड़ी सी पावर अब कम लग रही है। अभी अगली बार आई थिंक शिमला विमला का भी चक्कर लगेगा तो अपनी नई गाड़ी सही लगेगा XUV700 से। और मैं चलाऊंगा और तू चलाएगा yes. तो फिर तो हमारा चक्कर तो लगेगा, पर हम मतलब घर से तो आएंगे पर वापस नहीं जा पाएंगे अगर ये चलाएगा। मैं बहुत अच्छी ड्राइव करता हूं, ये लोग ये मजाक लेते रहते हैं, मैं सच में बहुत अच्छी ड्राइव। हम टेस्ट ड्राइव लेने गए थे और वापस में गाड़ी बैक नहीं हुई थी ठीक है। तो अभी बस चलो चलते हैं यहाँ से, वो लोग आ गए कुछ चिप्स वगैरह लेके आ रहे हैं खाने वाने को। बस तो शिमला आने वाला, मैंने सोचा था वहीं जाके कुछ खाएंगे पर उन्होंने चला यहीं से ले लिया। सही टाइम पे आ गए, आराम से आए, कोई हमने भागम भाग नहीं लगाई, बड़े आराम से नॉर्मल स्पीड पे आए 80-90। सो ठीक है अपना वहाँ चलते हैं। और वो लोकेशन बहुत प्यारी है, शिमला से थोड़ा आगे जाके हमने लिया है, पहले भी हमने एक बार वहीं लिया था, वो बढ़िया रहता है, थोड़ा भीड़ भाड़ से दूर रहता है। तो मॉल रोड घूमना होता है तो वहाँ आ जाओ, पार्किंग भरी करो, घूम लो और वहाँ से तुम कुफरी भी जा सकते हो। कुफरी और शिमला के बीच में है तो वहाँ जाके आपको मैं दिखाता हूँ। नमकीन अबे कुछ वैसे ले आते, वैसा नहीं है, कोई जूस वगैरह नहीं लाए? अमूल, अमूल का कौन सा जूस आता है? अच्छा लस्सी। ये लोग सामान लेके आए, वहाँ बंदर आ गया यार, मुझे क्यों कर रहा है? ये कह रहा है ये चिप्स ये कुरकुरे कहने को किस डिग्री है, पर पता है बहुत ठंडा यहाँ पर। नारी पागल टार्जन नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम धूप में चल रहे ना, धूप में इतना ही होगा, बहुत ठंडी है ना, बहुत सही है, बहुत तो नहीं कह सकते, एक अच्छा खासा मौसम है, मतलब अच्छा लग रहा है। भैया अभी हम पहुंच चुके हैं शिमला और अभी मनाली आ रहा था मुझे, क्योंकि मनाली की आदत होगी ना, तो अभी शिमला पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से हमें लगभग मुझे लगता है 15-20 मिनट और लगेंगे अपने रूम पे पहुंचने में, अपने घर पहुंचने में, क्योंकि हमने लिया है पूरा 3 BHK ठीक है। और महंगी बातचीत है भाई, एक बार याद है यहाँ पे होटल ढूंढ रहे थे, रात में आए थे शैम्पू है ना, और क्रिसमस का टाइम था, लास्ट ईयर की बात है, हमें यहाँ से जाके मिला नारकंडा 50 किलोमीटर दूर, नारकंडा जाके फिर हमने लिया था। यहाँ पे एक नाइट के 4-5 हजार रुपए मांग रहे थे भाई साहब उस टाइम पे, और वो भी हम तो सिर्फ लॉन्डे लॉन्डे थे, हमने कहा सस्ता सा दे दो कोई सा भी, लेकिन नहीं भैया ये सबसे सस्ता है 5 हजार रुपए का, मैं बहुत बढ़िया। सो हम वही ना, जो आदमी सुधरता नहीं है वो सुधरता नहीं है, तो ये लोग सुधरेंगे नहीं, शिमला आके शिमला आके भी वही वाले काम कर रहे हैं जो हमेशा करते हैं, मतलब गाड़ी में डीजल नहीं है यार, 8 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, पर किसने बताया नहीं मुझे यार। ठीक है तो फिर गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा, हट हट जल्दी, मैं ही चलाऊंगा आज तो गाड़ी, मैं ही चढ़ाऊंगा इस पहाड़ पे। नहीं 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 भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप डीजल की जिम्मेदारी किसकी है तुम्हारी? आठ किलोमीटर चलेगी, पेट्रोल पंप देख लो भैया बंद हो जाएगी, जन्नत की सैर करवा देगी 8 किलोमीटर। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई यार, ऐसे मत बोलो यार तुम लोग, शादी के बाद जन्नत की सैर, शादी का लड्डू खाने का बहुत शौक चढ़ रहा है, खाए तो पछताए ना खाए तो पछताए, मरेंगे तो हम दोनों साथ में मरेंगे। सो अभी हमारे जो घर का रास्ता है वो नीचे से जाता है, पर अभी हम ऊपर घूम रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी में डीजल नहीं है, 3 किलोमीटर चलेगी और हमें पेट्रोल पंप मिल नहीं रहा है, तो अभी यही है एडवेंचर शिमला का। कैसा मजा आ रहा है बच्चों? हमें तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है ना, अभी थोड़ी देर में धक्का मारने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे अभी जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं इस पे हम कभी नहीं आए शिमला में, ये बस स्टैंड के लिए जा रहा है नीचे, और बहुत ही सही है, बहुत सही खूबसूरत सा रास्ता है, एकदम घना सा, और इस टाइम पे अभी सनसेट हो रहा है ना, तो बीच में से धूप आ रही है छन छन के, एकदम ऐसे बिल्कुल पेड़ों के बीच में से दिखा देती है कहीं कहीं। सो फाइनली हमें पेट्रोल पंप मिल चुका है और हमारी गाड़ी चलेगी 1 किलोमीटर। गिर गिर के पी रहे थे, क्या हो रहा है भाई? ये अपना कपड़ा, तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल मिले ना मिले, पेट्रोल मिले ना मिले, उसे अपने उसके पास अपना फ्यूल है, खर्च लेकर है ना, कोई दिक्कत नहीं है तुमको।
तो भाई अभी हम जो है अपने होम स्टे आ चुके हैं, गाड़ी खड़ी कर दी है और यहाँ से नज़ारे देखो क्या सही लग रहे हैं सामने, देख रहे हैं ना क्या बढ़िया है। सुबह दिखाएंगे, अभी बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, लास्ट टाइम मैंने यहीं से ड्रोन उड़ाया था और पूरा ड्रोन शॉट भी है इसका, सो पता नहीं तो उस टाइम पर कितने लोगों ने देखी होगी, पर अभी बहुत सारे लोग नए हैं तो अभी फिर दोबारा देखेंगे जो कुछ भी हम करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। हो सकता है आज रात में घूमने भी जाएंगे, जाएंगे तो आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा। अभी पहले रूम में चलते हैं और वहाँ जाके फिर वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। अपना रूम और ये अपना बाथरूम और ये एक और बाथरूम, ये अपनी लॉबी और ये छाया पूजा का रूम, इधर मस्तला, उधर बालकनी है बहुत बड़ी और उधर है शैम्पू का रूम और ये अपनी किचन और ये है शैम्पू का रूम। सो ये अपना पूरा वेला। तो ये अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक डेली व्लॉग डालने की जो लाइफ होती है वो कैसी होती है। लगभग 7-8 घंटे ट्रैवल करने के बाद, गाड़ी चलाने के बाद हम पहुंच चुके हैं यहाँ और अब हम करेंगे एडिटिंग, क्योंकि अगर एडिटिंग करेंगे जब ही कल व्लॉग आएगा। और ये जो सामान है ये हमारा है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सिगरेट पीते नहीं है, तो इसे भैया साइड में रख देते हैं, नमक साइड में रख देते हैं, ये भी साइड में रख देते हैं और यहाँ अपना बाकी का सामान खोल लेते हैं और एडिटिंग शुरू करते हैं। तो भैया एडिटिंग करते करते अपनी मैगी भी आ चुकी है, मैगी खाते हैं गरम गरम, है शैम्पू जी? यस मैगी। तो बड़े सेक्सी लग रहे हो टोपे में भाई। मैं हूं ही सेक्सी यार, बस भगवान की तरफ से कोई घमंड नहीं कर रहा। हां हॉटनेस ऐसे निवल टपक रही है, इतनी हॉटनेस है तुम्हारे लिए। अबे यार तू बेइज्जती कर रहा है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और अभी आप तैयार हो चुके हैं और भाई इतनी ज्यादा ठंड है कि एक डिग्री बोला नहीं आ रहा होता है। अभी हम जा रहे हैं बाहर कुछ खाना वाना खा रहे हैं क्योंकि यार घर में तो रोज ही रहते हैं तो यहाँ पे भी क्या घर में रह जाएंगे। हाँ चलने चलने चलने, इसे कैप बैप पहनाओ और चलो चलते हैं। सो खत्म कर लेते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। नमस्ते, अलविदा, टाटा और हां बाय बाय, और सब्सक्राइब करके जाना, कर देना, ठंड बहुत है, ठंडी में थोड़ा सा गर्मी मिलेगी, सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। चलो बाय।